मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चल रहा है, उसकी हम एक्सरसाइज 12.11 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Find the sum of infinite term and sum of nth term of the following series. एक सीरीज दे रखी है हमें, इस सीरीज के हमें क्या निकालना है, sum of nth term भी निकालना है, sum of infinite term भी निकालना है। आंसर स्टार्ट होता है nth term of the given series, तो given series की nth term निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है सबसे पहले पहले वाला एलिमेंट देखें किस प्रकार चल रहा, 1 2 3 अगले में 4 नेक्स्ट में 5 ऐसी nth क्रम में n आ जाएगा, वो लिख दिया हमने यहां n। अब देखेंगे ये वाला एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से कितना ज्यादा है, तो 2 जो है इसमें 1 प्लस करो तो 2 मिल जाएगा, इसमें 2 में 1 प्लस करो तो 3 मिल जाएगा, यानी कि 1 प्लस करके नेक्स्ट मिल जाएगा, 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 मिल जाएगा, ऐसी n में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा, तो आपकी सीरीज का जो nth टर्म है वो आ गई 1 / n (n+1। अब ये 1 / n (n+1) आ गई, इसको हम सोल्व करेंगे इससे बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सोल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज होती है, आपके लिए नई चीज है ये, आपकी 12th में भी काम आओगी, ध्यान से देखिए, ये जितने भी ब्रैकेट लीनियर ब्रैकेट नीचे हैं इनको अलग अलग कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, a/n b/n+1, फिर हम दोनों साइड का एलसीएम ले लेंगे, ये एडिटिव इसका एलसीएम लेंगे तो a के साथ में n प्लस हो जाएगा, b के साथ n आ जाएगा, नीचे n into n plus 1 से n into n plus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 equal to a n plus 1 plus b n फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, फिर putting n is equal to 0, यो कहां से आया, एकदम से आ गया ना, putting n is equal to 0 तो कैसे पता लगा कहां से आया, तो ये मेथड है, अगर आपको एक कांस्टेंट निकालना है तो उस कांस्टेंट के नीचे जो नंबर रखा है, जैसे कि a के नीचे क्या रखा है यहां पे n, तो हम पहले उसको 0 रखते हैं, तो n इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में, ये रख दिया हमने 1 a n भी है 0 प्लस 1 प्लस यहां पे 0 रखेंगे सब 0 हो जाएगा। अब यहां के बाद में a की वैल्यू 5 हो गई हमारी 1, अब हमें निकालना है b कांस्टेंट, तो b के नीचे क्या रखा है n प्लस 1, तो n प्लस 1 को 0 रखेंगे, तो putting n is equal to minus 1 in equation first, तो first equation में n की जगह minus 1 रखा जाएगा, तो 1 is equal to यहाँ पे minus 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह minus 1 रखेंगे तो यहाँ पे minus 1 आ जाएगा, तो यहाँ से calculate करके b की value minus 1 आ जाएगा। अब ये a और b आ गए, a की value और b की value यहां पर रखेंगे, a की वैल्यू है, a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है -1, तो ये रख दी 1 -1। अब इसके बाद में क्या करेंगे, tn आ गया हमारा इस तरह से, तो जो टर्म हमारी कंबाइंड टर्म थी वो अलग अलग, तो इसको बोलना है पार्शियल फ्रैक्शन टर्म। अब इसमें पुटिंग n = 1 n = 2 n = 3 n = n तक रखेंगे, तो पहले 1 रखेंगे, यहां रखेंगे 2, ये आ गया, यहां 2 रखेंगे तो 2 + 1 = 3, फिर रखेंगे 3, तो यहां पे 3 रखेंगे तो 3 + 1 = 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से n रखेंगे तो n का मतलब सेम एज इट इज आ जाएगा। तो अब हम इनको एडिंग करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो आप देखिए माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 कैंसिल, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/4 नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा, प्लस का 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये सारे इस तरीके से सारे कैंसिल हो जाएंगे,
केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी वो हमने लिख दी। ये ऐसा नहीं कि वैल्यू आ गई, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे एसएल की वैल्यू आ जाएगी एन अपॉन एन प्लस वन, ये आ गई। तो एन एन टर्म का सम तो ये आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। अब हमें निकालना सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, उसके लिए क्या करते हैं, एन टेंड्स टू इंफिनिटी रख देंगे एसएल में, एन की जगह क्या रख देंगे इंफिनिटी। जैसे हमें एन टर्म का टोटल पता, हमें बीस टर्म का टोटल चाहिए तो एन की जगह बीस रख देंगे, अगर हमें एन टर्म का टोटल पता, तीस टर्म का टोटल चाहिए तो एन की जगह तीस रख देंगे। तो ऐसे ही हमें एस एन पता, हमें इन्फिनिटी टर्म का टोटल चाहिए तो एन की जगह क्या रख देंगे इन्फिनिटी। तो उसको सोल्व करने का तरीका ऐसा है, लिमिट एन टेंड्स टू बोल रहे हैं सर, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी के बाद तो एस एन की वैल्यू रख दी। फिर हमने नीचे से एन कॉमन ले लिया, एन से एन कैंसिल हो गया, वन अपॉन वन प्लस एन आ गया। अब ये क्या हटेगा, ये एन की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ गई, ये इन्फिनिटी आ गई, तो एन की जगह का रखना इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी, तो यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है जीरो, एक बटा एक इज इक्वल टू ए, तो एस इन्फिनिटी आ गया वन। तो अपने मोबाइल को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखकर पढ़ेंगे। थैंक यू।